नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जारी बजट 23 फरवरी 2022 का, जिसमें कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है, जो कि गहलोत सरकार द्वारा एनपीएस को बंद करके ओपीएस को लागू किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, जो ओपीएस है उससे क्या क्या फायदा होने वाला है कर्मचारी को, उसके बारे में जानना है। ओपीएस की वजह से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, तो देखते हैं ओपीएस के क्या क्या फायदा है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे भर्ती संबंधी किसी भी योजना संबंधी, शिक्षा विभाग संबंधी खबरें आपको मिलती। ओपीएस में दोस्तों आपको जीपीएफ का फायदा मिलेगा, आप जीपीएफ में कंस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो। अन्य तरह के क्या क्या सुविधा मिलती है उनके बारे में चर्चा। दोस्तों आपका ओपीएस में जीपीएफ का कितना डिडक्शन होगा उसकी जानकारी पाने के लिए मैं पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जीपीएफ लागू होने पर कर्मचारी को होने वाले क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले दोस्तों कर्मचारी को जीपीएफ की सुविधा मिलेगी, और जो पेंशन है उसके लिए कोई भी वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। रिटायरमेंट के समय आखिरी वेतन का 50% आपको मिलेगा, जो कि पेंशन के रूप में। जैसे किसी कार्मिक का वेतन 1 लाख रुपया है तो उसको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों ग्रेचुएटी में आखिरी सैलरी की 16.5 माह का पैसा है जो आपको मिलेगा, जो आखिरी महीने में आपका वेतन बना है उसके हिसाब से। और आपको जैसे डीए पड़ता रहता है तो डीए के रेट के अनुसार आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में फायदा मिलता रहेगा। और जीपीएफ में लोन की भी सुविधा है। सेवा काल में किसी भी कार्मिक की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी, प्लस परिवार के सभी सदस्यों में से कोई एक सदस्य को चुनना होगा जो कि सरकारी नौकरी में जाएगा, उसको सरकारी नौकरी दी होगी। रिटायरमेंट के समय आपको जीपीएफ की राशि निकासी होगी, उस समय आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में भी आपको मेडिकल संबंधी अलाउंस जो मिलते रहेंगे। और जीपीएफ की राशि पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्रेजेंट टाइम में जैसे 7.10% है, इसी हिसाब से समय समय टू ये चेंज होती रहती है ब्याज दर। इस हिसाब से आपको ब्याज भी मिलेगा, जो कि जीपीएफ में आपको जितना भी कंस्ट्रीब्यूशन करवा सके उसके ऊपर। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी इसमें जीपीएफ कार्मिक को ऑफिस में, तो अन्य और वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।